सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोजेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रोजेमिनी द कॉस्मिक लर्नर में। और आज आपके सामने जो हाथ लेके आया हूँ उसमें सबसे स्पेशल जो बात है वो है, अगर अनामिका उंगली की ऊँचाई सामान्य हो तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति जो है वो जीवन में सफल होता है हर एक विषय में, जिसकी उसकी अपने मन की इच्छा वाली विषय जितनी होती है उसमें दक्ष होता है, यानी जिसमें इस व्यक्ति को इंटरेस्ट होता है उसमें ये दक्ष होता है, धनी होता है, यशस्वी होता है। अनामिका उंगली अगर टेढ़ी हो, जैसे हल्का सा कर्व लिए हुए आप देखेंगे कईयों की उंगलियां जो है, सूर्य की उंगली इस तरह से कर्व लिए हुए रहती है, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को अपमान झेलना पड़ता है, यानी समाज में कई बार ऐसे लोगों को इंसल्ट देखना पड़ता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सूर्य की उंगली जो है, सूर्य जो है कारक है नेम फेम का, अगर वो टेढ़ी हो जाए तो ऐसे लोगों को बदनामी मिलती है, अपमान मिलता है। और इसी प्रकार अगर सूर्य की उंगली इस तरह से नुकीली रहे, हालांकि अगर सूर्य की उंगली नुकीली होगी तो ये उंगलियां भी उसी प्रकार से नुकीली थोड़ी ज़्यादा होंगी, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति कलाकार होता है, कला प्रेमी होता है, किसी एक कला में दक्ष होता है, चाहे वो ललित कला हो यानी ड्राइंग हो, या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला हो, या डांस या नृत्य करने वाला व्यक्ति हो, अभिनय करने वाला व्यक्ति हो। इसी प्रकार अगर अनामिका उंगली मध्यमा उंगली के बराबर हो, अनामिका की उंगली की ऊंचाई मध्यमा उंगली की ऊंचाई के बराबर हो, तो ऐसा व्यक्ति धन कुबेर होता है, मनी मैग्नेट होता है, ऐसे लोगों के पास बहुत ज़बरदस्त पैसा आता है। और ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, इसलिए ऐसे लोग रिस्क भी बहुत अच्छा लेते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव होते हुए भी ये कभी भी हार नहीं मानते, और सबसे अच्छी बात इन लोगों में ये होती है कि इनके अंदर नेतृत्व करने की जो क्षमता होती है वो ज़बरदस्त होती है। अगर ये कोई टीम वर्क करते हैं तो वहाँ पर मैनेजमेंट बहुत अच्छा चलाते हैं और अपने टीम से पूरी तरह से सहयोग करते हैं, और टीम से ये उम्मीद रखते हैं कि उनके हित में काम किया जाए या उनके द्वारा जो भी काम किया जाए वो पूरे कंपनी के हित में रहे। और ऐसा व्यक्ति अगर कंपनी में कोई भी दिक्कतें हो या कोई प्रोजेक्ट फेलियर हो जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है, अगर वो सक्सेस हो जाता है प्रोजेक्ट तो ये पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर और अपने पूरे टीम मेंबर को इक्वली देता है। इसको कहते हैं लीडरशिप क्वालिटी। इसके अंदर बॉसी इंसान या ऐसे लोगों के अंदर बॉसी या किसी के ऊपर रौब झाड़ने वाली प्रवृत्ति नहीं होती। हाँ, कमांडिंग पावर इनके अंदर काफ़ी अच्छा होता है, ये कमांड करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जिस व्यक्ति को वो कमांड करते हैं उस व्यक्ति के लिए भी सोचते हैं, उस व्यक्ति का भला भी सोचते हैं। ये उंगली इतनी इम्पॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है आपका हार्ट यानी आपका हृदय। अनामिका उंगली में हृदय से डायरेक्ट एक नस निकल के आती है, जिस वजह से हृदय की प्रगाढ़ता को यह दिखाता है, यानी अनामिका उंगली जितनी ज़्यादा लंबी हो, ऊंची हो, व्यक्ति का हृदय उतना ही बड़ा होता है, वो उतना ज़्यादा ही बड़े दिल वाला होता है। तो एक राजा का हृदय अगर बड़ा हो तभी वो राजा बन पाता है। अगर निम्न कोटि का हृदय हो तो ऐसा व्यक्ति कभी भी नेतृत्व करने की क्षमता होती नहीं है, राजा बन नहीं पाता। उसके अंदर राजाओं वाली क्वालिटी होते के साथ साथ वो उसको बहुत अच्छे से पहचान नहीं पाता अगर उंगली की हाइट अच्छी ना हो। इसलिए अनामिका की उंगली की ऊंचाई बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी व्यक्ति के हाथ में। अगर अनामिका की उंगली की ऊंचाई तर्जनी उंगली के बराबर हो, जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं तर्जनी उंगली के बराबर अनामिका की उंगली की ऊंचाई बने, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति जो है वो एक सफल व्यापारी होता है, कला प्रेमी होता है, कलाकार होता है, धनी होता है, और धन संपत्ति का अच्छा लेखा जोखा रखने वाला होता है। ऐसे लोगों को पिता द्वारा बहुत ज़्यादा धन प्राप्त होता है। इसके विपरीत जिनकी उंगली मध्यमा उंगली के बराबर है, मतलब जिनकी अनामिका उंगली मध्यमा उंगली के बराबर है, उन लोगों को अपने मेहनत का, अपने जिसको खून पसीने की कमाई का मिलता है, जबकि तर्जनी उंगली के लेवल में अगर अनामिका उंगली आती है
तो ऐसे लोगों को अपने मेहनत का तो मिलता ही है, लेकिन साथ साथ पुश्तैनी भी मिलता है, यानी फादर की ओर से, पिता की ओर से भी बहुत सारा धन मिलता है। ऐसे लोग बहुत सरल स्वभाव के होते हैं और बहुत आसानी से दूसरे व्यक्तियों से बुली बनाए जाते हैं या उनके ऊपर प्रभाव डाला जाता है, डोमिनेट किया जाता है। कुछ समय तक तो ये डोमिनेशन सह लेते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद उनको डोमिनेशन पसंद नहीं आता और वो उसका विरोध करते हैं, और विरोध करने के साथ साथ उस स्थिति से वो बाहर अपने आप को निकाल भी लेते हैं। तो आप भी देखिए कि आपके हाथ में अनामिका उंगली की स्थिति इस तरह की बन रही है या नहीं। अगर बन रही है तो आपको बहुत ही सावधान होना चाहिए, अपने विचारों में, अपने थॉट प्रोसेस में और अपने काम करने के तरीके में बहुत ज़्यादा बदलाव रखना या करना पड़ सकता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।